सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः अद्य वयं परस्परं वार्ता विषये द्वितीयः पाठं पठिष्यामः। वार्ता कथं भवति? एकः प्रश्नं करोति, द्वितीयः उत्तरं ददाति। एषः क्रिया निरन्तरं प्रचलति। एतमेव वार्ता कथयन्ति। प्यारे बच्चों, आज द्वितीय पाठ का अनुवाचन सस्वर वाचन करेंगे, उच्चारण करके अभ्यास करेंगे और कक्षा कार्य में दो चार पांच पंक्ति तक उच्चारण शुद्ध करके भेजेंगे। प्यारे बच्चों, आज द्वितीय पाठ का जो विषय है वह है परस्परम वार्ता, मतलब आपस में बात करना, उसका यह विषय है। वार्ता कैसे होता है? उसमें एक व्यक्ति प्रश्न करता है तो दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है, फिर प्रश्न करता है, फिर उसको उत्तर दूसरा व्यक्ति देता है। इस तरह बार बार हर एक प्रश्न का प्रश्न करना, उसका उत्तर देना एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आपस में करते हैं, इस क्रिया को ही वार्ता कहते हैं और यह निरंतर चलता है, उसी का नाम है वार्ता। आए वार्ता के विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आपके द्वितीय पाठ में लगा हुआ है कक्षा पंचमी। द्वितीय पाठ शीर्षकस्य नाम, यानी शीर्षक का नाम मम परिवारः। मम परिवारः का अर्थ होता है, मम का अर्थ होता है मेरा, परिवारः का अर्थ होता है परिवार। आप लोग परिवार में रहते हैं जिसमें माता पिता भाई बहन इत्यादि दादा दादी मिल करके एक परिवार बनता है, वही परिवार के विषय में आज इसमें एक जो लड़की है बालिका है वह प्रश्न कर रही है और मधुरा एक बालक है वह उत्तर दे रहा है और मधुरा का परिवार है। तो यहाँ पर क्या है शीर्षक का नाम, पाठ का नाम है मम परिवारः, मेरा परिवार। उसके बाद यहाँ पे शीर्षक का नाम है मम परिवारः। निशा, निशा किम वदति? मधुर अत्र आगच्छ पश्य इदं चित्रम्। निशा कहती है मधुर, हे मधुर, अत्र यहाँ, आगच्छ आओ, पश्य देखो, इदं चित्रम् यह चित्र। तो मधुरः किं वदति? मधुरः वदति आहा इदं मम चित्रम् अस्ति, कितना सुंदर। इदं यह मम, दोबारा आ गया मम, मम मतलब मेरा, चित्रम् चित्र पिक्चर अस्ति है। निशा पुनः प्रश्नम करोति, निशा किम प्रश्नम करोति? भवान कथम अवगच्छति, भवान कथम अवगच्छति, भवान मतलब आप, कथम कैसे अवगच्छति समझे। मधुरः पुनः उत्तरम ददाति, पश्यतु एषः अहम्, पश देखो यह मैं हूँ, पश्यतु देखो एषः यह अहम् मैं हूँ। निशा पुनः पृच्छति,
एषः कः, एषः यः, कः कौन, मधुरः पुनः उत्तरं ददाति एषः मम पिता। एक चित्र पुस्तक के पृष्ठ 7 पेज नंबर 7 पर चित्र दिया गया है और एक तरफ में यह पंक्तियां लिखी गई है। आप सभी बच्चों को उस चित्र को देखना है और उसमें जो जो क्रियाएं हो रही है, जो जो आपस में सब लोग परिवार मिलकर के काम कर रहे हैं, उन सभी के बारे में निशा जो लड़की है, वह मधुर एक लड़का है, उसके परिवार के बारे में बार बार प्रश्न कर रही है और मधुर उसका उत्तर दे रहा है। तो वही चित्र में देख करके बताना है। तो उसमें कहता है मधुरा एसा मम पिता, देखो चित्र है या इधर चित्र दिया गया, उसमें यह मम मेरे पिताजी हैं। निशा पुनः पृच्छति एषा का, इसका भी अर्थ यह होगा, इसका भी अर्थ यह होगा, लेकिन यह पुल्लिंग के लिए है और ऐसा स्त्रीलिंग के लिए है। तो ऐसा का इसका भी अर्थ यही हो जाएगा, यह कौन है। मधुरः पुनः उत्तरम ददाति ऐसा मम माता, ऐसा का अर्थ यह मम मेरी माता माता है। निशा पुनः पृच्छति एषः कः, अब तृतीय व्यक्ति के बारे में पूछती है कि निशा किम क्या कहती है, एषः कः यह कौन है। मधुरः पुनः उत्तरं ददाति एषः मम अनुजः, यह मम मेरा अनुज छोटा भाई है। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। निशा एषः कः, पुनः पृच्छति निशा एषः कः यह क्या है। आपको एषः कः, एषा का, एषः कः, एषः कः कई बार आए हैं, सब का अर्थ एक ही होगा हिंदी में। संस्कृत में स्त्रीलिंग के लिए थोड़ा सा अंतर दे दिया गया है, एषः के जगह पर एषा कर दिया गया है, लेकिन सब का अर्थ एक ही है। निशा पृच्छति एषः कः यह कौन है। मधुरः कथयति वदति एषः मम ज्येष्ठः भ्राता, एषः यह मम मेरे ज्येष्ठः बड़े, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़े भ्राता भाई हैं। मधुरः वदति एषः, जो निशा प्रश्न की है एषः कः, चित्र में कई व्यक्ति हैं परिवार के, तो उसके लिए उत्तर मधुर क्या देता है, एषः मम यह मेरे ज्येष्ठ बड़े भ्राता भाई हैं। निशा पुनः प्रश्नम करोति मधुर अधुना अवगच्छामि, मधुर हे मधुर अधुना अब अवगच्छामि समझा हूँ, अवगच्छामि अवगच्छामि, गच्छामि रहेगा तो जाता हूँ, अब लग गया तो अवगच्छामि का अर्थ हो जाएगा समझा हूँ। इतना प्रश्न करने के बाद निशा को मधुर उत्तर बार बार देता गया अपने परिवार के हर व्यक्ति के बारे में, तब मधुर को निशा को समझ में आया। तो क्या बोलती है, मधुर हे मधुर अधुना अब गच्छामि समझा हूँ, एषः तब पिता, एषः यह तब तुम्हारे पिता पिताजी हैं, एषा तब माता, यह तब तुम्हारी माता है, एषः तब अनुजः, यह तब तुम्हारे अनुज हैं, एषः ज्येष्ठ भ्राता, यह बड़े भाई हैं। इस प्रकार आपका यह द्वितीय पाठ को कैसे हम अर्थ को समझेंगे, इसमें किसके बारे में दिया गया है, हर एक पंक्ति को हम बता दिए हैं।
इसके बाद भी अगर इसको समझ में ना आए तो यहाँ नीचे शब्दार्थ दिया गया, शब्दार्थ। अब यहाँ पर मैंने तो बोल करके बता दिया इसका ये अर्थ है, इसको ऐसे ऐसे आपस में प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, निशा प्रश्न कर रही है, मधुर उत्तर दे रहा है, आपस में वार्तालाप हो रहा है, वार्ता परस्परम वार्ता भवति। परंतु अर्था अत्र अस्ति अर्थ विषये अत्र अवबोधनम कुर्वन्ति सर्वे छात्रा। मम मेरा, परिवार परिवार, निशा निशा, मधुर हे मधुर, अत्र यहाँ पर नाम है हे मधुर, अत्र यहाँ, आगच्छ आओ, मम पश्य देखो, इदम यह, चित्रम चित्र, आह कितना अच्छा, अस्ति है, भवान आप, कथम कैसे, अवगच्छति समझा, पश्यतु देखो, एषः यः, अहम मैं, कह कौन, पुलिंग के लिए, पिता पिता, एषा यः स्त्रीलिंग, का कौन स्त्रीलिंग, माता माता, अनुजः छोटा भाई, ज्येष्ठ बड़ा, भ्राता भाई, अनुध अधुना अब, अवगच्छामि समझा हूँ, तब तुम्हारे। इस प्रकार आपको शब्दार्थ भी अलग अलग करके दे दिया गया है। इन सभी शब्दार्थ को लिखेंगे, याद करेंगे, और यही शब्दार्थ आपको इस पाठ में बीच बीच में सब जगह देखने को मिलेगा। जो शब्द कई बार आ चुके हैं जैसे एसह, उसके लिए एक ही जगह एसह का शब्द का अर्थ लिखे हैं। उस प्रकार एक शब्द कई बार आए हैं तो कई बार उसका अर्थ नहीं लिखे हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको अर्थ कई बार आ रहा है तो उसको कई बार आपको वहाँ से देख देख करके याद करना है, लिखना है। तो यहाँ पर आपको इसको याद करना है, उच्चारण करना है, उच्चारण में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार उच्चारण कर देते हैं, निशा मधुर, अत्र आगच्छ, पश्य इदम चित्रम, मधुरः आहा, इदम मम चित्रम अस्ति, निशा भवान कथम अवगच्छति, मधुरः पश्यतु एषः अहम्, एषा निशा, एषः कः, मधुरः एषः मम पिता, निशा एषा का, मधुर एषा मम माता, निशा एषः कः, मधुर एषः मम अनुजः, निशा एषः कः, मधुर एषः मम ज्येष्ठ भ्राता, निशा मधुर अधुना अवगच्छामि, एषः तव पिता, एषा तव माता, एषः तब अनुजह, एषः ज्येष्ठ भ्राता, और ये अर्थ। इन सभी को अर्थ को याद करेंगे, इस पाठ का बोलने का अभ्यास करके इसको आप सस्वर वाचन अनुवाचन जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग को सुन करके आप उसको नकल करेंगे, उसका पुनरावृत्ति करेंगे, उसके अनुसार बोलने का प्रयास करेंगे, उसी का नाम है अनुवाचन। तो अनुवाचन करना है, उसके बाद बोल करके दो चार, तीन से चार लाइन पंक्ति रिकॉर्ड करके भेजना है, यही CW है। और HW में अर्थ को केवल आज याद करें, अगली कक्षा में आपको अभ्यास बनवाया जाएगा। कक्षा कार्य CW द्वितीय पाठस्य सस्वर वाचनम उच्चारणम कृत्वा प्रेषयता। द्वितीय पाठ पढ़कर भेजें। गृह कार्यम द्वितीय पाठस्य शब्दार्थम स्मरणम कुरुता। शब्दार्थ याद करें, यह आपका आज का विषय है। इसमें कहीं पे किसी को समझ में नहीं आएगा, पुनः पूछेंगे। आज का मुख्य कार्य है शब्द को शुद्ध शुद्ध कैसे बोलेंगे, उसमें कैसे मात्रा को उच्चारण करेंगे तो शुद्ध शब्द उच्चारित होगा, और उसका शब्द का अर्थ क्या है उसको याद रखना है। इसको अभ्यास बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। आज का इतना ही विषय है, इसको तैयार करें और पर्सनल नंबर पे होमवर्क और क्लास वर्क भेजें।